वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ धार के किला मैदान में मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंगार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर धार के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं वन मंत्री ने इस दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को स्वीकार किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। इसी लक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसके बाद से ही इस दिन को चुना गया था। इस मौके पर धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। इसमें SWI पद्धति से गेहूं की बुवाई करते हुए जल संरक्षण है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करना भी प्रदर्शित किया गया है। इस पद्धति से 35% लगभग, साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा के ऋण माफी JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।